नया नया इस साल। वाह, और ये एक फ्रॉस्टिंग का मतलब क्या है भाई? क्रीमिनो ऑफलाइन, हाँ राइट हैंड में क्रीमिनो ऑफलाइन है। इसका हेड पूरा व्हाइट होगा और ये रेड हो जाएगा। ये लुटिनो फिशर का घर का है मगर ब्लैक आई वाला है। ये भी यूविंग हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आकाश ब्लॉग एंड किट्स यूट्यूब चैनल। तो आज आ गए और एक नया वीडियो लेकर दोस्तों। आज वीडियो का टॉपिक है लव बर्ड का ऊपर। तो शायद आप लोग देख ही पाएंगे कि लव बर्ड का कुछ बच्चा मतलब दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। तो पीछे जो खड़ा है मतलब ओनर, ठीक है, ओनर दीदी है। उनका साथ परिचय कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि बच्चा कब दिए है और अभी क्या खाना क्या चल रहा है और कितना मतलब कितना बच्चा दिए, सब कुछ पूछ लेते हैं। तो बताइए दीदी, आप कैसे और आपका जो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है मतलब वो सब बता दीजिए। हाँ नमस्ते, आप लोगों के साथ मैं फिर आ गई क्योंकि आकाश भैया भी आ गए और ये सब नया नया ब्रीड करके जो फर्स्ट क्लच निकला तो थोड़ा थोड़ा निकला, कोई कोई बॉक्स पे है। आज आप लोगों को सब दिखाएंगे मेरे इस साल के शुरुआत कैसे हुए यार की, ये आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ चलिए देखते हैं। और कितना बच्चा दिया हुआ है अभी? अभी जो निकला अभी तो 65 शायद 65-70 ऐसा हो गया। सब एक साथ नहीं बिठाए थे हम, थोड़ा बिठाए फिर बाद में थोड़ा, अब किसी को एगले किया, किसी ने एगले किया, ऐसा हो रहा है। और जो दामी वाला बर्ड्स है उसका एक हम और कोई कम दामी वाला बर्ड्स ने दे दिए तो इसलिए थोड़ा कम बच्चे निकल रहा है, क्योंकि जो दामी वाला है उसका तो 3 या 4 बच्चे निकल रहे हैं और अगर कम दामी वाला बर्ड्स हो तो 6-7 तो निकल जाता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9674712358, यही व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा पंछी मतलब लव बर्ड का कौन सा पंछी दिखाएंगे दीदी, देखते हैं। और जो फ्रेंड चैनल में नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके दीजिए, मतलब जो लाल वाला बटन है उसको दबा के रख दीजिए, क्योंकि रोज़ वीडियो दे रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिए, नया नया वीडियो का अपडेट मिलेगा रोज़, ठीक है। और देखते रहिए वीडियो और क्लिक करके देखिए आज का वीडियो। दोस्तों देख लेते हैं कि लव बर्ड का कलेक्शन, लव बर्ड का नाम क्या है? लुटिनो। हाँ ये लुटिनो ऑफलाइन है, इसका दो ठो है, इधर दो ठो बच्चा है। ये देखिए दोस्तों लुटिनो का बच्चा अभी पकड़ रहा है जाल में। देखिए दोस्तों लुटिनो का बच्चा कितना दिन हुआ है बच्चे का उम्र? पूरा बड़ा ही हो गया, सेल्फ हो गया, सेल्फ हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, अभी तक पूरा पूरी सेल्फ नहीं हुआ। अच्छा, उड़ने का टाइम आ गया क्या? हाँ उड़ने का टाइम, ये छोड़ दूँ तो उड़ ही जाएगा, पूरा बड़ा हो गया। ये तो तीनों ही ऑफलाइन है मगर ये जो है इसको क्रीमिनो बोलता है, मतलब ऑफलाइन का। हाँ क्रीमिनो ऑफलाइन, हाँ राइट हैंड में क्रीमिनो ऑफलाइन है। इसका हेड पूरा व्हाइट होगा और ये रेड हो जाएगा धीरे धीरे। और कितना दिनों के बाद ये सेलिंग के लिए आ जाएगा? सेलिंग के लिए और वो दीपावली के टाइम हो जाएगा, दीपावली के टाइम, हाँ दीपावली काली पूजा का टाइम। हाँ ओके। हाँ ये दोनों फॉस्टरिंग पेयर है एकदम, एक लुटिनो ऑफलाइन और एक रोजी ऑफलाइन। मगर इसमें जो है वो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये मेरे घर पे नया नया इस साल। वाह, और ये एक फॉस्टरिंग का मतलब क्या है? फॉस्टरिंग का मतलब है इसका, ये जो एग ले किया उसको हम निकाल दिया और ये है ईविंग, ईविंग ऑफलाइन। एक ईविंग ऑफलाइन का बच्चा निकला और एक
ये ऐसा ही ग्रीन ऑफलाइन है, फिशर ग्रीन फिशर ऑफलाइन, यूइंग फिशर ऑफलाइन। क्या अभी का खाना क्या चल रहा है पंछी का? वो जैसे होता है रात सुबह सॉफ्ट फूड देते हैं, ये तो देखिए ये सब है साग पत्ता, वो तो खा लिया सब। हाँ, और एग है, राइस है। और कितना दिनों के बाद मतलब सेलिंग का साइज? ये देर होगा थोड़ा, इसको सेल्फ होने में थोड़ा देर है, एक महीना लगेगा, एक महीना के बाद। ये बहुत अच्छा बर्ड्स निकला, ये पहली बार है ना इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कलर? हाँ और भी है, हाँ हाँ और भी ब्लू में भी निकला, और भी है मगर सब तो दिखा नहीं सकते ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये थोड़ा, ये एक पार ब्लू है और यूइंग ऑफलाइन है। पार ब्लू जो है वो मेल है और यूइंग ऑफलाइन जो है वो फीमेल है। इसको हम नया नया प्यार दिए हैं, देखते हैं इससे क्या निकलते हैं। एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है? हाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखते हैं क्या निकलते हैं। अभी ये पंछी का नाम क्या है? ये तो रोजी ग्रुप का है, रोजी पाइट, नॉर्मल रोजी पाइट। इसका ये हमारा फॉस्टरिंग पेयर है और इसके अंदर जो है वो हम दिखा रहे हैं, बाहर निकाले फिर दिखा रहे हैं। इसमें पार ब्लू है, ये जो है ये पार ब्लू है। हाँ पार ब्लू, शायद इसमें इविंग भी आ जाएगा। ये पार ब्लू और ब्लू इविंग का बच्चा है, इसमें शायद इविंग भी आ जाएगा। मेरा तो मेरे घर पे तो नया है, मैं अभी तक अच्छे से नहीं बोल पाता, इसलिए अगले साल से ठीक से बोल लूँगी। क्या देखने से ही पता चलता है मगर मुझको अभी तक क्या बोलूँ, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। ये भी इविंग हो सकता है, ब्लू इविंग, वायलेट इविंग ये, और ये भी है, ये भी इविंग हो सकता है या वायलेट होगा, नॉर्मल फिशर, वायलेट फिशर, और इविंग भी आ सकता है, अभी तक समझ नहीं पा रही। कौन सा पंछी का बच्चा है ये? लुटिनो फिशर का घर का है मगर ब्लैक आई वाला है, इससे निकल रहे तो सब ब्लैक आई, मालूम नहीं है मुझको, शायद पता था इसमें 50% ब्लैक और 50% रेड आई निकलेगा मगर मेरे घर पे तो अभी तक सब ब्लैक ही निकले, देखते हैं क्या होते हैं। और एक अंडा पड़ा हुआ है। हाँ ये भी निकलेगा। हाँ हाँ इसमें भी हैचिंग होगा, वो फर्टाइल है। ये शायद बाहर निकलेगा अभी, देखते हैं कैसे। हाँ इसमें जो मेल है वो डाइल्यूट है और जो फीमेल है वो नॉर्मल वायलेट मार्क्स है, उसका उससे वो 6 eggs ले किए थे और 6 ही फर्टाइल थे, तो हम इसको 4 दिए, 4 निकले, 4 बच्चा है। वो देख क्या कर रहे हैं उधर वो बच्चा। हाँ 4 निकले और किसी के पास और 2-3 है, 2-3 उसके पास है, 2 और किसी के पास है मगर 6 ही निकले, 6 फर्टाइल है एकदम ठीक ठाक। इसका नाम क्या है पंछी का? इसका ये वायलेट मार्क्स है, वायलेट मार्क्स। इसको सबको हम 3-3 करके दिए हैं और 3-3 या 4 ऐसे तो सबका ही निकल गए मगर सब तो दिखा नहीं पा रहे। इसमें तीन है ना अभी? हाँ तीन है ये सब 3 है। ये देखिए दोस्तों इधर और एक पंछी है, मतलब अभी जो है मतलब कॉस्टली है क्या? हाँ ये थोड़ा कॉस्टली है, इससे ही काम बनता है,
ये बहुत कॉस्टली से बहुत काम की चीज़ है। हाँ, ये तो नॉर्मल ग्रीन फिशर ऑफलाइन का मेल है और वो लुटिनो फिशर ऑफलाइन है, सॉरी ऑफलाइन नहीं है, लुटिनो फिशर है, उससे ऑफलाइन के लिए ही हम काम शुरू किए। मतलब आपके लिए रखा है ना? हाँ हाँ, मेरे लिए ही है क्योंकि इससे हम काम करेंगे थोड़ा ऑफलाइन का बच्चा निकालने के लिए, वो लुटिनो का, लुटिनो ऑफलाइन के लिए। हाँ, ये ऑफलाइन है, ग्रीन फिशर ऑफलाइन, उसके साथ ईविंग है, ब्लू ईविंग है, वो ईविंग ऑफलाइन में ईविंग लाने के लिए ये पेयर किया। हाँ, प्यार बिठाया, देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देखें कि बहुत, मतलब अभी जो कलेक्शन है पंछी का, लबाट का, जो दीदी ने दिखा है इस वीडियो का माध्यम से, और अभी तो सेलिंग के लिए नहीं है, दीदी बोले कि इस वीडियो का माध्यम से सेलिंग होगा दीपावली के टाइम में कुछ पंछी, ठीक है। तो कोई जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मगर रात के 9 बजे से पहले, 10 बजे भी बोलते हैं किसी को तो 11 बजे 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, इसलिए 9 बजे से पहले आप लोग फ़ोन कीजिए और सुबह 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 बजे तक बहुत सारे काम होता है, बार्ड्स का ही काम होता है। और आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आकाश भैया बहुत मन लगा के काम कर रहा है, उसको उसके पास क्या बोलूँ, रोज रोज वीडियो निकलता है ना आपका। हाँ, आकाश भैया का रोज़ वीडियो निकलता है, आप लोग सब लोग देखिए, उसका सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही नमस्ते, बाद में फिर मुलाकात होंगे, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ना। अच्छा, ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और जो फ्रेंड चैनल में नया है फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, रोज़ नोटिफिकेशन मतलब वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है आप लोगों का ये चैनल में, और आप लोग भी बहुत स्वस्थ रहिए।